अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फाइव क्लास वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम सेशन 2021-22 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं सिलेबस। और आप लोगों ने साइंस का यूनिट वन जो है वो मेरे साथ कवर कर लिया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके एमसीक्यूज़ जो है वो आपके लिए तैयार करूंगी ओवर 100, ताकि आपके लेसन की हर लाइन जो है वो कवर हो जाए और टोटल जो है आपके पास जो है वो इसके नोट्स जो हैं वो आ जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे यूनिट वन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमसीक्यूज़ हैं। नंबर वन पे है, हाउ मैनी किंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर। फाइव किंगडम्स होती हैं जी ऑर्गेनिजम्स की। विच इज एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। मोनेरा की एग्जाम्पल बैक्टेरियम है। और वॉलवॉक्स इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। और स्पायरोगायरा इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्जी। यीस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फंगी। एनिमल्स आर मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। शुगर वीट राइस बैम्बू एंड मेज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। इन हाउ मैनी ग्रुप्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड टू वर्टेब्रेट्स एंड कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स फाइव। बर्ड्स हैव एयर सैक्स। टाइगर्स बिलोंग टू ग्रुप ऑफ मैमल्स। बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड कीवी। आउल हैज बिग आईज। ठीक है जी। फिश आर ऑफ 25,000 काइंड। सम वर्म्स लिव इन ह्यूमन एंड एनिमल। बोथ पे इसको टिक कीजिएगा कि दोनों ह्यूमन्स में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। मेराइन इनवर्टेब्रेट स्टार फिश एम्फीबियंस बरी देमसेल्व्स इन मड ड्यूरिंग विंटर। ठीक है। उसके बाद है, डायनासोर वेयर बिगेस्ट रिप्टाइल्स ऑन द अर्थ। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स। फ्लॉरिंग प्लांट्स हैव टू काइंड्स। फ्लॉरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई फ्लावर्स। डाइकॉट प्लांट्स हैव फोर और फाइव फ्लोरल लीव्स। मोनोकॉट प्लांट्स हैव थ्री फ्लोरल लीव्स। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स। इनके जो है, इन पौधों के ऊपर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, होल्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं, उनके जरिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लिजर्ड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। रेप्टाइल्स एन एनिमल विद ज्वाइंटेड लेग्स। कॉकरोच फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्टेब्रेट्स। ऑल हैव बैकबोन। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन दी पी सीड टू। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। सम मशरूम्स आर पॉइजनस। ओवर 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स कैन बी ग्लो लाइक फायर फ्लाइज। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ड्यू टू क्लोरोफिल। मोनोकोट प्लांट सीड हैव कोटिलेडन वन। मैंगो गोवा रोज एंड पी आर डाइकोट प्लांट्स। हाउ मच कोटिलेडन अ सीड ऑफ डाइकोट प्लांट हैव टू। अ फ्रॉग हैव लॉन्ग लिम्स। अ टॉड हैव शॉर्ट लिम्स। डायनासोर एक्सटिंक्ट आर एक्सटिंक्ट। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स। हॉक इज हंटर बर्ड। विच इज लार्जेस्ट बर्ड ईगल। विच बर्ड लिव इन स्नो पेंगोइन। विच बर्ड मेक होल इन ट्रंक ऑफ ट्री विद हिज बीक। वुड पैकर। बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ कॉर्निवर डायनासोर। कॉर्निवर्स ओमनिवर्स आप लोगों ने पढ़ा है ना फोर में भी, ये वही है कॉर्निवर्स, जो परिंदे जो है वो गोश्त भी खाते हैं। वट इज़ द बर्ड पार्क कार्ड एवियरी। लेक व्यू पार्क इज थर्ड लार्जेस्ट पार्क इन द वर्ल्ड फॉर बर्ड्स। लेक व्यू पार्क इज इन इस्लामाबाद। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स लेक व्यू पार्क हैज़। 280। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन लेक व्यू पार्क। मोर देन 4,000। पोलर बियर लिव इन साउथ पोल स्नोवी एरिया। दोनों को जो है करेक्ट आंसर है, इसलिए बी एंड बोथ ए एंड सी, सॉरी नॉर्थ एंड स्नोई। उसके बाद है, विच बर्ड इज आल्सो अ मैमल। यहाँ पे प्लेटीपस भी मैमल है और बैट भी, ये दोनों परिंदे हैं लेकिन बच्चे देते हैं। ए एंड सी, बी एंड सी, सॉरी यहाँ पे टिक होना है तो हम इसको बी एंड सी बना देंगे। ओके जी। उसके बाद देखिए,
Which animal has pouch on its belly for carrying his baby? Kangaroo, bird and animals are largest groups because both show parental care. Which type of animal is pond and aquatic? Which animal can form its broken body parts pongs? और उसके बाद है which animal is looks like stick insect? और which animal is looks like leaf insect है? उसके बाद octopus, oyster, snail and are belongs to group of mollusk. Which grain is form into pearl when enter to a oyster body? तो यहाँ पे सॉल्ट भी है और सैंड भी है. जब सॉल्ट या सैंड का जर्रा जो है सीपी के अंदर जाता है तो इसके गिर्द जो है वो मोती बनना शुरू हो जाता है. तो इस तरह ए और सी दोनों करेक्ट हैं. स्टार्स फिश सी एनमोन एंड ब्रिटल स्टार बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इकिनोडर्म्स. इकिनोडर्म्स ये मैंने तोड़ तोड़ के आपके लिए पढ़ा है कि थोड़ा आपको पढ़ना आसान इसे हो जाएगा. इंडस डॉल्फिन इज इन डेंजर, ठीक है, और ब्लाइंड. ये तो एक तो इसका शिकार बहुत हो रहा है इसलिए ये ख़त्म होने का इसका खदशा है. दूसरा ये देख नहीं सकती. विच फिश इज ओनली फाउंड बिटवीन जिना एंड कोटरी बिराज? इंडस डॉल्फिन. इन अ गेम्स रिजर्व ओनली एनिमल्स आर कैप्ट विच आर इन डेंजर. मैंग्रोव्स एक्ट लाइक नर्सरीज फॉर फिश क्रैब्स प्रॉन्स. इनडीड डॉल्फिन इज ब्लाइंड बट इट कैन डिफ्रेंटिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क. Which animal has body full of spores, spongs? Spongs usually remain attached with stones. Bird, which bird have webbed feet? Aquatic. Which bird has webbed feet? Duck. Which birds are called running birds? यहाँ पे running birds में आपके पास kiwi भी है, ostrich भी है. ये भागते हैं, उड़ नहीं सकते, अपने वेट की वजह से आगे बढ़ते हैं. Rhizopus is also called ब्लैक ब्रेड मोल्ड. मशरूम्स आर ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर. ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं. एन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाट फंगी नीड्स फॉर ग्रोथ? मॉइस्चर. फ्रॉम वेयर फंगी अब्जॉर्ब इट्स फूड? सराउंडिंग्स. फंगी हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज. Flowers need oxygen, chlorophyll, water and sunlight energy to make food. Yeast is a microscopic fungi. Some bacteria can prepare their food. Amoeba, paramecium, spirogyra are example of protista. Amoeba and paramecium are unicellular. Spirogyra is a kind of algae. Algae are found in rivers, ponds and लेक्स. ओशन दोनों ही आने हैं इसलिए बोथ ए एंड बी आ जाएगा. द कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल. डक इज एन एक्वेटिक बर्ड. डक इज द स्विमर बर्ड. फिश ले एग्स. मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज. बैट इज मैमल, फ्लाइंग मैमल है. प्लेटिपस इज द स्विमर मैमल. उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे है टू विच ग्रुप ह्यूमन बिलोंग? मैमल्स. उसके बाद है हॉर्स, काउ, गोट, टाइगर, कैट, लाइन आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. पोलर बियर, एलिफेंट, प्लेटिपस, कैंगरू, बैट आर बिलोंग टू मैमल्स. द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. विच प्लांट प्रोटेक्ट सी शोर्स फ्रॉम डैमेज? मैंग्रोव्स. अ गेम रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज गेम पार्क. यू कैन हंट एनिमल्स इन अ कंट्रोल्ड वे इन अ रिजर्व पार्क. ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन रिलाइज ऑन इकोलोकेशन टू फाइंड इट्स प्रे. फ्रॉग हैव लॉन्ग लेग्स फॉर होपिंग और टॉड हैव लॉन्ग लेग्स फॉर क्रॉलिंग. और इसके साथ आपके MCQs जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं. तो इंशाल्लाह आप ये MCQs अच्छे से कर लें तो लेसन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए, पेपर को सॉल्व करना, टेस्ट को सॉल्व करना कोई इशू नहीं रहेगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए.